We are talking to Haseena Muin on Planet Samina. She is Pakistan's legendary playwright. मेरे वालिद ने के रिटायर्ड हुए थे तो मैंने बड़ी फखरिया कहा था कि अब्बा मैं नौकरी कर लेती हूँ. अब्बा ने कहा तुम क्या नौकरी करोगी? तो मैंने कहा नहीं, मैं एक स्कूल में पढ़ा सकती हूँ. हमारी दोस्त जाती है जहाँ, वहीं मैं भी चली जाऊँगी. तो मैं भी चली गई, पेंटिंग कराती थी मैं वहाँ. तो मुझे सुबह यूनिवर्सिटी जाना होता था, वहाँ से यूनिवर्सिटी से फारिग होके फिर मैं जाती थी उस स्कूल में और पेंटिंग कराती थी, क्लासेस में जितनी भी होती थी. फिर घर बस में आती थी क्योंकि उस वक्त हमारे पास गाड़ी नहीं थी, अब्बा रिटायर्ड हो चुके थे. तो इस तरह मेरा कैरियर जो था वहाँ से शुरू हुआ. लेकिन एमए करने के बाद जब टीवी यहाँ पे शुरू हो गया था तो एक दिन असलम अजहर साहब का लेटर मेरे पास आया कि आप आके हमसे मिले. बड़ी खुश हुई मैं, मैंने कहा वाह भाई. तो मैंने अपनी चार सहेलियों को लिया क्योंकि टीवी अकेले जाना तो बिल्कुल लग रहा था कि कहाँ जाएंगे हम, किससे मिलेंगे. तो चारों हम दोस्त वहाँ पहुँच गए. पहले तो रिसेप्शन वालों से झगड़ा हुआ. उन्होंने कहा कि जी ऐसे तो बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं कि हमें बुलाया गया है, तो आपके पास कोई लेटर तो आप लाई नहीं है. तो मैंने कहा देखिए बात सुने, अगर आप नहीं जाने दे रहे हैं तो हम वापस जा रहे हैं. आप जीएम से पूछ लीजिए ना, मेरा नाम ये है. खैर उन्होंने जीएम से बात की, जीएम ने फौरन आदमी भेजा कि इनको भिजवा दें हमारे पास. उस वक्त जीएम थे कंवर आफ्ताब साहब. तो वो कंवर आफ्ताब साहब के पास मैं गई तो उन्होंने बड़े प्यार से बात की. और जो पहला टीवी ड्रामा मैंने लिखा, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी ईद प्ले. ईद प्ले मैंने कहा ईद में तो हमारे यहाँ कोई ऐसी बात होती नहीं है तफरीही. लेकिन उन्होंने कहा नहीं तुम कहानी बना के कुछ लिख दो. तो मैंने बैठ के कहानी बनाई और ड्रामा लिख के भेज दिया. तो उसके बाद एक बड़ा ट्रेजिक लम्हा आया था हमारी ज़िंदगी का, पहला ट्रेजिक लम्हा. मतलब मैं पाकिस्तान पार्टीशन को ट्रेजिक नहीं कहती क्योंकि हम बच्चे बड़े खुश थे सफ़र करने में और नए नए घरों में रहने में. लेकिन जब बड़े होकर हमारी ज़िंदगी का जो लम्हा था वो ये था कि ईद से 10 दिन पहले मेरे वालिद का एक्सीडेंट हुआ और वो ख़त्म हो गए एक सेकंड में. और हमें इत्तला नहीं मिली. हमें शाम को सिविल हॉस्पिटल से एम्बुलेंस आई और उन्होंने बताया कि आप के वालिद का एक्सीडेंट हुआ है और आप लोग आके देख ले. उन्हें ये नहीं बताया कि वो ख़त्म हो चुके थे, ये बताया कि उनका एक्सीडेंट हुआ है, आप लोग आ जाइए. तो हम सब चले गए और वहाँ जाके हमें पता लग कि उनका एक्सीडेंट हुआ है. तो ज़ाहिर है अब उसके बाद तो 10 दिन में हमें ना ईद बकरीद कुछ हमें याद नहीं थी. ईद के दूसरे दिन इफ्तिखार आरिफ साहब का फ़ोन आया. उन्होंने कहा सीना मोइन तुमने तो कमाल कर दिया, सारे शहर में धूम मच गई है तुम्हारे ड्रामे की. अब उस वक्त हमारे हालात ऐसे थे कि मैंने कहा आरिफ साहब मैं मेरे वालिद का इंतकाल हुआ है अभी 10 दिन पहले और मुझे नहीं मालूम कि ड्रामा क्या हुआ कैसा हुआ और ना मैं जानना चाहती हूँ. तो उन्होंने फौरन माजरत की और लोगों ने कंडोलेंस भी की. और एक महीने के बाद टीवी ने, कराची पीटीवी ने एक छोटी सी महफिल सजाई एक जगह और उसमें एमडी भी आए इस्लामाबाद से, सब लोग आए और उन्होंने हम लोगों को बहुत बहुत तारीफ की. और उसके बाद एक इनामात दिए छोटे छोटे लिफाफों में 200 रुपए रख के. उन्होंने हम लोगों को सबको इनामात दिए, डायरेक्टर को, राइटर को, आर्टिस्टों को. नीलूफर अलीम थी, शकील थे उसमें, ये सब. अब वो 200 रुपए का इनाम मेरे लिए बहुत अहम था. वो मैंने पता नहीं 15 बरस तक मैं रखे रही अपनी अलमारी में. तो ये था वो हुआ मेरे साथ कि ज़िंदगी में मुझे ज़िंदगी ने या खुदा ने मुझे खुद ब खुद रास्ता मेरे लिए हमवार किया
मैंने अपने लिए कुछ कोशिश नहीं की, ये मैं आपको बहुत सफाई से बता रही हूँ और सच्चाई से बता रही हूँ कि मैंने एक दफ़ा भी ये कोशिश नहीं की कि कोई मुझे बुलाए या कोई काम दे। सिर्फ एक दफ़ा मैंने उनसे रिक्वेस्ट ये की थी जब वो शेजोरी हो गया और उसके बाद शेजोरी की बड़ी धूम मची तो उन्होंने दूसरी किताब दी, क्योंकि वो अजीम बेग चुगताई की किताब का मरकज़ी ख्याल था। तो उन्होंने दूसरी किताब पकड़ाई कि तुम इस पे लिख, अब इस पे लिख दो। तो मैंने कंवर साहब, मोहसिन साहब से कहा कि मुझे बात करना है कंवर साहब से। तो मैंने कहा देखिए ये किताबों पे लिखना मेरे लिए और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये छोटी छोटी किताबें हैं 16-17 सफ़े की, इस पे एपिसोड 7-8 बनाना बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर मैं अपना आइडिया दूं तो आप लोग उससे कहानी, अपनी कहानी बना दूं। तो उन्होंने, कंवर साहब ने कहा कि देखिए बीबी बात यह है कि हमारे यहाँ तो बड़ा टाइट शेड्यूल है कि एक हफ्ते में लिखा जाता है, उसी हफ्ते में रिकॉर्ड होता है और नेक्स्ट वीक वो ऑन एयर चला जाता है। तो हमारे लिए ये लम्हा है ही नहीं कि अगर कहीं भी आप रुक गई कहीं पे तो हमारे पास तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारा डायरेक्टर भी 24 घंटे इन्वॉल्व रहता है, आप भी इन्वॉल्व रहती हैं, आर्टिस्ट भी इन्वॉल्व रहते हैं। यानी उतने दिन जितने दिन वो ड्रामा चलता है ना मुझे छुट्टी मिलती है, ना डायरेक्टर को, ना आर्टिस्टों को, सब वहीं रहते हैं सुबह से रात तक। तो मैंने कहा, लेकिन उसके बावजूद इफ्तिखार अली साहब ने, मोहसिन अली साहब ने और कंवर साहब ने खुद भी कहा कि अच्छा आप कोशिश कीजिए, हमें वन लाइनर लिख के दीजिए। तो मैंने वन लाइनर उन्हें लिख के दिया जो उन्हें अच्छा लगा। मैंने उसका नाम रखा था किरण कहानी। वो कहानी थी स्प्लिट, एक शख्सियत जब स्प्लिट हो जाती है, ब्रोकन हाउस के जो बच्चे होते हैं वो उनके ऊपर जो असर पड़ता है ब्रोकन होम्स का, वो स्प्लिट पर्सनैलिटी हो जाती है। तो मैंने रूही बानो को लिया था उसमें, उसमें शीरीन खान भी हमारे साथ आ गई थी। और ये हुआ था कि चूंकि ये नया ड्रामा है और ये लिख रही हैं खुद, तो इनको डिस्कशन भी काफ़ी करना पड़ेगा, तो शीरीन खान और मोहसिन अली दोनों मिल के करेंगे। तो शीरीन से जब से मेरी दोस्ती भी बहुत हो गई थी, मोहसिन साहब से तो थी जी, तो हम तीनों मिल के उसको बनाते थे। और आप ये देखिए किरण कहानी 13 किस्तों तक चली है, लेकिन उसमें कोई ये नहीं बता सकता कि कौन सा एपिसोड किसने बनाया था जी, क्योंकि दोनों साथ डिस्कस करते थे, दोनों के ख्यालात मिलते थे और मेरी वेवलेंथ भी उनके साथ, मोहसिन साहब और शीरीन के साथ इतनी अच्छी थी कि बड़ा मजा आता था मुझे। प्रोडक्शन बहुत स्मूथ थी, बहुत स्मूथली वो कहानी फ्लो करती चली गई और प्रोडक्शन बहुत स्मूथ प्रोडक्शन में तो वो लोग मतलब शीरीन ने पहली दफा ड्रामा, पहला ड्रामा था जी, उसका जी, लेकिन उसके बावजूद उसे ड्रामा सेंस इतना अच्छा था। हालांकि शीरीन को उर्दू नहीं आती थी जी, इंग्लिश में ज्यादातर वो हमें कहा जाता था ये इंग्लिश ग्रुप है, लेकिन ये कि उसके बावजूद शीरीन को ड्रामा सेंस इतना सख्त था कि अगर कोई जुमले को बदल के बोले तो वो फौरन कहती थी नहीं आपने वो जुमला नहीं बोला है जो लिखा हुआ है, उसको उसी तरह बोलिए। तो बाज़त लोग बहस करते थे, मतलब सायरा वगैरह जो बड़ी आर्टिस्ट थे, कि भाई क्या फ़र्क पड़ता है इस तरह बोलें या उस तरह बोलें। वो कहती है कोई फ़र्क तो पड़ता होगा ना जो लिखा गया है, इसलिए आप उसी तरह बोलें। तो इस तरह से मुझे पहला स्टेप आगे जाने का ये मिला कि टीवी पे पहली ओरिजिनल सीरियल जो थी वो मैंने लिखी, जो किसी दूसरी नॉवेल से, किसी चीज से माखूज नहीं थी, वो ओरिजिनल आपकी थी, ओरिजिनल थी। उसके बाद बल्कि खुद आगा साहब ने मुझसे कहा कि अब तुम कभी एडेप्टेशन नहीं करना, तुम ओरिजिनल लिखो जी। तो उसके बाद मैंने जेर जबर पेश लिखा, अंकल उर्फी लिखा और परछाइयां, अलबत्ता मैंने एक किताब थी हेनरी जेम्स की, पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, मुझे बहुत अच्छी लगती थी उसका रोल। तो मैंने कहा कि मैं कंवर साहब ये कर लूँ मैं, तो उन्होंने हेड ऑफिस से पूछा, हेड ऑफिस से जवाब आया कि अगर जो हसीना मोइन कर रही हैं तो कर लें, वरना किसी और को नहीं दीजिएगा, क्योंकि किताब बड़ी इम्पोर्टेंट भी है और
अगर इसकी स्प्रिट खराब हो गई तो फिर बात नहीं बनेगी जी। तो खैर मुझे दिया गया और उस वक्त मैं इतनी बोल्ड थी कि मैंने पहला एपिसोड तो लिख के दे दिया और बता भी दिया कि इसमें कौन कौन होगा। और फिर हम घूमने चले गए, क्योंकि उस जमाने में हम लोग हर साल बाहर जाया करते थे घूमने नॉर्दर्न एरियाज में। तो घूमने चले गए, वहाँ से वापस आई तो उन्होंने कहा कि आप देख लीजिए एपिसोड बन गया है। पता चला कि उन्होंने प्रोड्यूसर बदल दिया था और उस प्रोड्यूसर ने, हालांकि वो बड़े प्रोड्यूसर थे, उनके साथ काम बहुत से लोगों ने किया है और बहुत मशहूर भी हैं, लेकिन उन्होंने जो कास्टिंग की थी वो मुझे समझ नहीं आई। मैंने देखा और मुझे वो अच्छा नहीं लगा और इतनी बोल्ड थी मैं कि मैं उस वक्त उठ के सीधी जीएम के कमरे में गई। मैंने पूछा मैं आ जाऊँ, उन्होंने कहा जी जी आइए। मैंने कहा सर ये जो पहला एपिसोड हुआ है इसको देख के मैं आगे नहीं लिखूँगी अगर यही कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा क्या मतलब है, इसकी डेट जा चुकी है, ये तो होना ही होना है, आप ये कैसे कह सकती हैं कि आप नहीं लिखेंगे। मैंने कहा कि क्योंकि जो मैंने कंसीव किया था उसके अकॉर्डिंग ये नहीं बना है और चूंकि ये नहीं बना है इसलिए मैं नहीं करूँगी। उन्होंने कहा ये नहीं कर सकती हैं आप, क्योंकि हेड ऑफिस से हमें बात करना पड़ेगी, ऐसे थोड़ी होता है बच्चों की तरह कि आपने आके कह दिया कि जाइए हम नहीं लिखते। तो मैंने कहा फिर क्या करें, तो ख़राब हो जाएगा, अगर ख़राब हो गया तो आप लोग कहेंगे कि आपने इतने बड़े राइटर की किताब को सत्यानाश कर दिया। तो कहने लगे अच्छा आप हेड ऑफिस से खुद बात करें, मैं नहीं करता। मैंने कहा ठीक है मैं बात कर लूँगी। मैंने असलम अजहर साहब से बात की, मैंने उनको बताया कि सर ये हुआ है और अगर आप भी देखेंगे तो आपको भी अफसोस होगा, मुझे भी बड़ा अफसोस हुआ है और मैं नहीं चाहती कि मैं अपना भी नाम ख़राब करूँ और टी वी का भी, कि एक इतने बड़े राइटर की किताब को हमें अडेप्ट कर रहे हैं और उसे ख़राब कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि फिर आप क्या चाहती हैं। मैंने कहा सर मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरे अपने प्रोड्यूसर जो हैं डायरेक्टर्स शीरिन और मोहसिन साहब, उनको दे दिया जाए ये। और मैंने सजेस्ट किया था सायरा और राहत काजमी को मेन लीड के लिए, तो उनको बुला लिया जाए इस्लामाबाद से कराची, तो मैं लिख दूंगी। उनका ठीक है आप लिखिए, वो मैं ये हो जाएगा। दो मिनट में फैसला हुआ जी। उस जमाने में लोग इतने अच्छे थे और इतना इनकरेज करते थे कि मैं बता नहीं सकती। तो जनाब उन्होंने जायरा राहत आ गए, मोहसिन साहब और शीरिन ने ले लिया, दोबारा से वो पूरा रिकॉर्ड हुआ। और ये भी तुम्हें मालूम होना चाहिए कि वो पहली कलर्ड सीरियल थी पाकिस्तान टेलीविजन की जी, इसलिए उसकी अहमियत भी बहुत ज़्यादा थी। बिल्कुल। और उसमें ब्लंडर्स भी बहुत से हुए थे, मसलन ये कि करने में शीरिन भी नई थी और वो कलर्ड सीरियल करने में कई कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें कोई काफ़ी ब्लंडर्स हुए थे, लेकिन फिर उसे ठीक किया जाता था, फिर उसे समझा जाता था, फिर रिसर्च किया जाता था और आखिरकार वो बन गई और बहुत अच्छी बनी थी। वी विल कंटिन्यू टू टॉक विद हसीना मुइन ऑन प्लैनेट समीना। शी इज़ पाकिस्तान लेजेंडरी प्ले राइट।